भारत के खिलाफ पहले मुकाबले से पहले पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लग चुका है। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2022 में पाकिस्तान का पहला मुकाबला भारत के साथ 28 अगस्त को है और दोस्तों इससे पहले पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लग चुका है। दोस्तों पहले आपको पता ही है कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप 2022 से बाहर हो गए थे, लेकिन दोस्तों अब एक और राइट आर्म पेसर पाकिस्तान के बाहर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और फास्ट बॉलर पाकिस्तान के चोट के कारण एशिया कप से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों ये खिलाड़ी है मोहम्मद वसीम जूनियर। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद वसीम जूनियर भी एशिया कप 2022 से बाहर हो गए हैं। वे साइड स्ट्रेन की वजह से एशिया कप से बाहर हो गए हैं और दोस्तों अब पाकिस्तान की टीम काफ़ी दिक्कत में है, क्योंकि दो उनके सबसे जो स्टार पेसर्स थे वो एशिया कप से बाहर हो गए हैं और दोस्तों उनका मुकाबला भी इंडिया के साथ है। तो दोस्तों इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। और दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह पाकिस्तान ने अब आखिरकार हसन अली को टीम में शामिल कर लिया है। दोस्तों पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह हसन अली को टीम में लाएंगे, लेकिन दोस्तों उस समय हसन अली को टीम में शामिल नहीं किया, मोहम्मद हसनैन को शामिल किया था और दोस्तों अब मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह हसन अली को टीम में शामिल कर लिया है। तो दोस्तों ये थी एक बड़ी अपडेट एशिया कप 2022 की। दोस्तों हर तरह की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल क्रिक यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।